आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका इंडियन टीवी न्यूज पर। मैं हूं जुनैद आपके साथ। शुजालपुर कृषि उपज मंडी की उप मंडी के रूप में संचालित थोक सब्जी मंडी में किसानों ने हंगामा कर दिया और दोपहर तक मंडी का कामकाज बंद रहा। दरअसल विवाद प्याज खरीदने के दौरान व्यापारी द्वारा नीलामी बोली लगाने के बाद तय रकम से कम रुपए से शुरू हुआ। नीलामी का भाव देने से इनकार करने पर गुस्साए किसानों ने आज जमकर हंगामा किया और दोपहर 3 बजे तक मंडी का कार्य नहीं होने दिया। अफसरों के हस्तक्षेप के बाद अगले मंगलवार को बैठक कर मसले को सुलझाने का आश्वासन देने पर किसानों में हंगामा शांत किया और मंडी का काम शुरू हुआ। आपको बता दें कि ग्राम जामनेर के किसान ने शुजालपुर सिटी स्थित थोक सब्जी मंडी में अपना प्याज 1672 रुपये प्रति क्विंटल के भाव सार्वजनिक नीलामी में बेचा, लेकिन बोली लगाने वाले व्यापारी ने इससे कम दाम 1625 रुपए के हिसाब से रुपए दिए। नीलामी के बाद किसान को दी गई पर्ची पर लिखा भाव सही कराने के बाद भी किसान को नीलामी के अनुसार उपज का दाम नहीं मिला। ये पूरा वाकया बुधवार को हुआ और आज गुरुवार को पीड़ित किसान अपने साथ किसान संघ के पदाधिकारियों व इलाके के कई किसानों को लेकर प्याज मंडी में पहुंचा और हंगामा खड़ा कर दिया। मंडी में काम करने वाले कुछ व्यापारियों पर किसानों के शोषण का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई तथा मंडी में नीलामी कार्य नहीं होने दिया गया। मौके पर पहुंचे SDM प्रकाश कस्बे में व्यापारियों किसानों को समझाइश देकर मंगलवार को इस संबंध में बैठक बुलाकर मामले का निराकरण कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मंडी का काम सुचारू हो सका। बाइट किसान संघ पदाधिकारी इंडियन टीवी शुजालपुर से योगेश प्रजापति की रिपोर्ट। का नाम रामचंद्र धाकड़। किस विषय में आज ज्ञापन दिया आपने? आज हमने किसानों के साथ जो मंडी में विवाद होता आ रहा है उस विषय के ऊपर यहाँ पर श्रीमान SDM महोदय को ज्ञापन दिया है। बौली में नीलामी में जो माल बिकता है उस भाव पर व्यापारी फिर बाद में अपने कांटे के ऊपर विवाद खड़ा करते हैं और किसान को मजबूर करते हैं कि उनका माल कम भाव पर खरीदा जाए। ऐसे कल भी किसानों के साथ में विवाद हुआ और आज भी दो किसानों के साथ विवाद हुआ। आए दिन इस मंडी में फड़ के ऊपर जो नीलामी में भाव तय होता है और नीलाम पर्ची के ऊपर जो भाव अंकित किया जाता है उसके बाद व्यापारी के कांटे पर जाने के बाद उस माल को रिजेक्ट माल या हल्का माल बता करके या यह कह दिया जाता है कि मैंने इस भाव में माल नहीं खरीदा और व्यापारियों द्वारा किसानों को परेशान किया जाता है। किसान अपना माल जब उसके वाहन से उतार कर नीचे रखता है और वाहन किराए वाला चले जाता है तो उसकी मजबूरी हो जाती है कि उस माल को अब क्या करे, वो ट्रैक्टर उसके पास रहता नहीं है और वह उस माल को औने पौने दाम में फिर व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। भारतीय किसान संघ मांग करता है कि जो भी नीलाम में भाव तय हुआ है उसी भाव पर व्यापारियों द्वारा किसान का माल तोला जाए। जिसमें मंडी वालों के मिली भगत से राजीनामा करवाया गया और 1625 जबरदस्ती दबाव डाल के फिर इस चीज़ का मैंने किसान संघ को अवगत कराया। किसान संघ ने मुझे आश्वासन दिया कि आपकी समस्या बिल्कुल हल की जाएगी, SDM महोदय के सामने की जाएगी। कल मेरा 1672 में नीलाम हुआ था और
व्यापारी फिर आया, मैंने सुधार 1652 उसमें लिखा गया, पर्ची का सुधार करवाने गया मैं मंडी कर्मचारी के पास, तो उन्होंने गलती मान के सुधार भी किया, लेकिन व्यापारी ने उस चीज़ को नहीं माना, उसने डबल बोली लगाई जो 1550 लगाई, लेकिन मैंने मना कर दिया था मैं इस बोली को नहीं मानता। फिर मैंने SDM साहब के पास जाने का बोला तो मंडी कर्मचारी मुझे पकड़ के गेट से लेके आए और बोले चलो राजीनामा करवाते बात करते हैं। 1625 में मेरा राजीनामा करवा के जबरदस्ती मुझ पे दबाव डाल के 1625 का पेमेंट करवाया। आपका नाम? कमल पाटीदार जामनेर। दोस्तों इसी तरह की हर छोटी बड़ी और अपने आसपास की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज और बने रहिए हमारे साथ में। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। अभी हमारे साथ पूरे भारत में 200 से ज्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है, पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।